बीमारी से दो की मौत हो गई है, छह बच्चों की तबीयत बिगड़ी है जिनका इलाज लगातार जारी है। रात में खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं बच्चे, उनकी तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। हालांकि इलाज चल रहा है बच्चों का, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रात में उन्होंने खाना खाया जिसके बाद अचानक से उन्हें अनईजी फील होने लग गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर कन्नौज से है, दो की मौत भी हो गई है फूड पॉइजनिंग मामले में और कुछ जो इसमें बीमार बताया जा रहा है उनका इलाज जारी है। परिवार के कई लोग कल दोपहर में वहाँ काम कर रहे थे अपने खेतों में, वहाँ पर उन्होंने पूरी सब्जी खाई थी जिसमें ये अंदेशा जताया गया है कि कुछ कंटेमिनेटेड फूड लेने के कारण उनकी सबकी तबीयत खराब हुई है, जिसमें अभी तक दो बच्चों की मृत्यु होने की अभी खबर मिली है। तो संबंधित जो SGM है वहाँ के उनको जाँच दी गई है और जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है संबंधित FSO और DO को भेजा गया है, जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई सूचित की है। प्रभम जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभम, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, जो घायल उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, कन्नौज जिले के तारग्राम थाना क्षेत्र गांधी नगर मोहल्ले का है, जहां पर एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत फूड बिगड़ी थी, खाना खाने के कारण उनकी फूड पॉइजनिंग हुआ, जिसमें दो सगी बहनों की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें कि इसमें एक महिला है जिनको गंभीर हालत में फरुखाबाद रेफर किया गया है, बल्कि छह लोगों का उपचार लगातार जारी है। मामले को लेकर जिले के जो अधिकारी हैं वह घटना पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और जिलाधिकारी की ओर से जिन लोगों की तबीयत खराब है, जिनकी हालत काफी बिगड़ी हुई है, उनमें से कोई ज्यादा सीरियस तो नहीं है? देखिए, जैसे की जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई कि छह लोगों की इसमें हालत गंभीर थी और एक महिला को बताया जा रहा है जिसको गंभीर हालत होने के कारण फरुखाबाद के लिए फिलहाल रेफर किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।